आपका पहला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आपके विकल्प हैं ए अफ्रीका देश, बी भारत देश, सी जापान देश, डी चीन देश। आपका सही विकल्प है सी जापान देश। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जापान है। आपका दूसरा सवाल है, पिता बनने पर किस देश में छुट्टी दिया जाता है? आपके विकल्प हैं ए रूस देश में, बी इंग्लैंड देश में, सी अमेरिका देश में, डी जापान देश में। आपका सही विकल्प है डी जापान देश में। पिता बनने पर जापान देश में छुट्टी दिया जाता है। आपका तीसरा सवाल है, किस राज्य में सबसे ज्यादा अपराध होता है? आपके विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही विकल्प है सी उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा अपराध पाया जाता है। आपका चौथा सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके विकल्प हैं ए चीन में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी जापान में। आपका सही विकल्प है बी भारत में। साइकिल का आविष्कार भारत ने किया था। आपका पांचवा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? आपके विकल्प हैं ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी प्रधानमंत्री कोष, सी संसद, डी संचित निधि। आपका सही विकल्प है सी संसद। भारत के प्रधानमंत्री को सैलरी संसद देता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी मध्य प्रदेश। आपका सही विकल्प है ए महाराष्ट्र। भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आपका सातवां सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी मेघालय में, डी छत्तीसगढ़ में। आपका सही विकल्प है सी मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। आपका आठवां सवाल है, रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? आपके विकल्प हैं ए जामुन, बी शहतूत, सी बरगद, डी आम। आपका सही विकल्प है बी शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। आपका नौवां सवाल है, ईमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए प्रशिक्षण केंद्र, बी महाजनी कोठी, सी अभियंता, डी इलेक्ट्रॉनिक डाक। आपका सही विकल्प है
डीप इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक डाक कहते हैं। आपका 10वां सवाल है, बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए लटू, बी बिजली का लटटू, सी यान स्वरूप यंत्र, डी यंत्र। आपका सही विकल्प है बी बिजली का लटटू। बल्ब को हिंदी में बिजली का लटटू कहा जाता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? आपके विकल्प है ए कांगो देश में, बी अफ्रीका देश में, सी सिंगापुर देश में, डी भारत देश में। आपका सही विकल्प है ए कांगो देश में। सोने का पहाड़ कांगो देश में स्थित है। आपका 12वां सवाल है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए दादरा और नगर हवेली, बी दमन और दीव, सी दिल्ली, डी लक्षद्वीप। आपका सही विकल्प है डी लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आपका 13वां सवाल है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए बीजिंग, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी कराची। आपका सही विकल्प है बी कानपुर। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर है। आपका 14वां सवाल है, किस फल को पकने में पूरे 2 साल लगते हैं? आपके विकल्प हैं ए अनानास, बी कटहल, सी नाशपाती, डी अमरूद। आपका सही विकल्प है ए अनानास। अनानास एक ऐसा फल है जिसको पकड़ने में 2 साल लगता है। आपका 15वां सवाल है, किस फल को खाने से इंसान की मौत हो सकती है? आपके विकल्प हैं ए कटहल, बी सेब, सी जामुन, डी पपीता। आपका सही विकल्प है बी सेब। सेब फल खाने से इंसान की मौत हो सकती है क्योंकि उसके बीज में साइनाइड का कुछ मात्रा पाया जाता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 16वां सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके दांत होते हैं? आपके विकल्प हैं ए शुत्रमुर्ग, बी उल्लू, सी सुल्काविस्क्योरम, डी तोता। आपका सही विकल्प है सी सुल्काविस्क्योरम। सुल्काविस्क्योरम पक्षी के दांत होते हैं। आपका 17वां सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए एमोर्फोफैलस टाइटेनम, बी रफेसिया, सी काला गुलाब, डी लिली। आपका सही विकल्प है बी रफेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफेसिया है। आपका 18वां सवाल है, किस देश में बाप बेटी आपस में शादी करते हैं? आपके विकल्प हैं ए भारत,
देश, बी जापान देश, सी पाकिस्तान देश, डी बांग्लादेश। आपका सही विकल्प है डी बांग्लादेश। बाप बेटी आपस में शादी बांग्लादेश में करते हैं। आपका 19वां सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग इनमें से किसको दर्शाता है? आपके विकल्प है ए शांति और सत्य का, बी विकास और उर्वरता को, सी विकास और सत्य का, डी विकास और सत्य को। आपका सही विकल्प है बी विकास और उर्वरता को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है। आपका 20वां सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी चंडीगढ़, सी सिक्किम, डी मिजोरम। आपका सही विकल्प है सी सिक्किम। भारत में सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आपका 21वां सवाल है, भारत में सबसे पहले बनी रंगीन फिल्म का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ए सीता विवाह, बी किशनकुंज है, या सी सती सुलोचना, डी राजा हरिश्चंद्र। आपका सही विकल्प है बी किशनकुंज है, या भारत में सबसे पहले बनी रंगीला फिल्म का नाम किशनकुंज है या था। ये सवाल आप लोगों के लिए है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए हावड़ा, बी चेन्नई, सी गोरखपुर, डी सिकंदराबाद। इस सवाल का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।